और ये कलर भी देखें और इसको यहाँ लगा दिखाएं कैसा है। दोनों बहुत अच्छे हैं। चलें जी, सबको चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम देने के बाद मैंने ये बनाए थे और ये भी सबसे पूछा बट सब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से। तो भाइयों कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जो भी नए आने वाले हैं इनको वेलकम करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अभी हमने अम्मी को शॉपिंग दिखाई नहीं, अम्मी को और खाला को उनके कपड़े दिखाते हैं, उनके तासुरात देखते हैं। आज अम्मी जल्दी आ रही थी ना, फिर उन्हें रोजा लग रहा था तो वो सो गई और मैं यकीन जाने सुबह 9 तक नहीं सो पाया, क्योंकि कभी कभी मेरी नींद ऐसी उड़ जाए ना, एक दफा एक दफा मेरी नींद उड़ जाए तो बस फिर नींद जाती। 9 बजे सोया, 12:30 बजे उठा, फिर 1:30 बजे सोया, पानी का मैसेज देखता कि पानी भी आ रहा था, आज पानी नहीं आया। बस उसके बाद फिर मैं निकल गया, वापस आया अफ्तारी से पहले, तो अफ्तारी के लिए जो है ना आज सामान नहीं लाना पड़ा क्योंकि सभी पड़ा हुआ था। अम्मी हर खाली फ्रूट ले आई थी ऑफिस से ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में आ गया था, लेकिन वो कार आज नहीं आया, वो कार की अफ्तारी जो है ऑफिस में थी तो वो अब तक नहीं आया, वो जॉब पे था। तो अभी जो इसकी मेरे खाली मिड होगी उसकी ना, उसकी शिफ्ट चेंज होगी, उसकी मिड होगी। तो मिड का टाइम ये होता है कि आप दोपहर में जाते तो फिर रात में वापस आते, 9 तक 10 तक इस तरह होती है, मतलब 6 आवर्स 7 आवर्स। रमजान में ना शॉर्ट होता है टाइम पीरियड, तो वैसे तो 8 आवर्स और 9 आवर्स की शिफ्ट होती है हर ऑफिस में, बट ये रमजानों में 6 आवर्स की देते हैं या 6.5 घंटे की, 6 घंटे की या मैक्सिमम 6 घंटे होते हैं मैक्सिमम। तो बहरहाल और इंशाल्लाह तला अभी जो भी सूट हैं दिखाएंगे, अभी कौन से रिएक्शन देते हैं, उनको अच्छे लगे नहीं लगे, मुझे पता है कलर अच्छे हैं, हमको अच्छे ज़रूर लगेंगे, और ये कलर उनके पास नहीं है ना, बस यही उम्मीद है, इंशाल्लाह देखें क्या लगता है। तो फिलहाल की अपडेट यही है, तो जो भी अपडेट होगी आपको दे देंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। और कज़न आया इम्तियाज़, और इम्तियाज़ से कुछ सामान लेना था, कज़न को समझा यार चलो मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कर दो, मैंने चलते हैं अभी नीचे ही पानी का सिस्टम देख रहे थे, इस टाइम में थोड़ा सा फ्री हुए थे लेट नाइट, पता है काम धंधा होता है सारे दिन, तो अभी आए थोड़ा सा सामान कर लेते हैं और देखते हैं क्या लेना है इन्होंने। तो जी मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी और वो मैं ले चुका, जैसे बेसन चाहिए थी और अली शाह की चॉकलेट रही है और कुछ 2-3 चीज़ें और डाल रहा हूँ। गाइस अभी मैं घर आया और सामान रखने के बाद मैंने अपना छोटा सा एक दिल निकाला, दिल निकाल के मैं यहाँ रख के गया, मैंने अली शाह को दूंगा, लेकिन इस पर किसी का हमला हो गया है, दिल का एक टुकड़ा, दिल में से एक पीस निकाल के किसी ने खा लिया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? तो ये इसे बड़ा वाला भी मिला था, अच्छा मिला था, मैं आपके लिए वो भी लाऊंगा। ये भाई मैंने अपना दिल निकाल के रखा, मैंने सोचा अलीशबा के लिए अपना दिल लेके जाऊं, लेकिन अलीशबा ने ऑलरेडी मेरे दिल के अंदर हमला कर चुकी है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसा लगा आपको? अच्छा। फिर कॉल निकाल के खाओ। नहीं, ये एक आपका, एक फातिमा का, फातिमा के लिए मैंने वो भी लाया हुआ है। क्या लाया? फीस्ट चॉकलेट, चोकोबार नहीं मिली, फीस्ट मिली मुझे, फीस्ट भी लाया, चोकोबार नहीं, चोकोबार भी लेकर आया हूँ, फीस्ट भी लेकर आया हूँ, दोनों लेकर आया हूँ। ठीक है जी, तो अब आपको वो ही देता हूँ दोनों को। चलें मैं, आप चले, आप क्या कर रही हैं फिर? मैं अभी अपने कुछ बनाने जाएंगे अपने खाने। जहर सी बात है, मुझे भी खिलाओ आप। ओके। एक लाया हूँ फीस्ट, ये भी अच्छी लग रही है, ये अच्छी है खाने से, चॉकलेट ये देखना वकार भाई खाएगा, चॉकलेट कितना चॉकलेट। और ये लाया हूँ चॉपर, हाँ ये सिंपल सी, ये फातिमा खाएगी। हाँ ये वकार के, उसको फातिमा को ना ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, और वकार इस पे हमला करेगा। हाँ ये वकार भाई की फेवरेट। चलो चलो देखते हैं। तो ये जी हम आ गए हैं अभी वकार के रूम में, वकार फातिमा कैसे हो आप लोग, सबसे पहले ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। वकार तुम्हारा पंखा तो टाइट हवा दे रहा है, मुझे लग रहा है मेरे वाला पंखे का कैपेसिटी खराब हो गया ना, वो हवा नहीं दे रहा यार। अच्छा खैर, आप लोगों को मैं एक चीज देने आया हूँ दोनों को, ये देखो इसमें से फातिमा आप कौन सा खाओगी? आप बताओ कौन सा होटा, चूज लो, चुन लो आप एक। ये देखा अलीशबा सही निकली, अलीशबा सही निकली। आज मैंने कहा वकार भाई इस पे हमला करेगा, फिस्ट पे नहीं, उसका कलर मुझे भी अच्छा लगा था, वो चोकोबार है, ये फिस्ट है, ये उससे अच्छी वाली है, ये फिस्ट है, और वो सिर्फ सिंपल चोकोबार है, ये चॉकलेट से भरी है, चॉकलेट ना, हाँ दोनों चॉकलेट है, फिस्ट हो या चोकोबार, हाँ चॉकलेट ना। तो वकार ने ऑलरेडी कहा था ये भाई एक और है, ये मैं लाया था वकार, इसकी प्रमोशन लगी बहुत सस्ती सस्ती, ये 220 की मिल रही 3 दाने और बड़ा वाला 1000 के अंदर मिल रहा है, बड़ा सा जिसके 9-10 दाने होते हैं, इसकी प्रमोशन लगी अच्छी वाली। ये मैं 3 दाने लाया था, मैंने खाया कलीवा ने बेटा एक भावना के लिए था, फौरन कैसे कैसे ले गया, लेके कैसे गए बेटा? हाँ हाँ अभी दिखाओ कमा शाइन, लेकिन फातिमा जो है ना छुटकी है घर की, तो इसको देना चाहिए कि नहीं। तो मुझे पता अली मैंने पहले कहा था फातिमा देखना ये चुनेगी, क्योंकि उसने दुपट्टे से मैच करके उठाई भाई। चलो चलो जी, चलो चलो जी, फिर आप लोग खाओ एंजॉय करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, अभी तो हम चाय पी रहे थे, लेकिन अभी ना इसको 1-2 घंटे बाद चलो फिर ये डीप फ्रीज में रख देता हूँ मैं। डीप फातिमा ये क्यों रख रही हो?
ये नहीं रखते, ये बर्फ वाली भी अच्छी लगती है। ये पत्थर बन जाए इसके अंदर वो होता है ड्राई फ्रूट होता है, ठंडी हो जाएगी ना, ये ठंडी नहीं खाते वैसे। चलो रख दो तीनों दूरी फ्रीजर में। थैंक यू, वेलकम वेलकम जी। सबको चॉकलेट वगैरह आइसक्रीम देने के बाद मैंने ये बनाए थे और ये भी सबसे पूछा, बट सब खा चुके थे ऑलरेडी। तो ये बंदे आ गए, इन्होंने कहा मैंने खाना है। और इनके लिए ना मैंने अलग से बनाया जो कि स्पाइसी थे, इन्होंने बड़े शौक से बनवाया। तो ये मार डाला। बस करें, आपने अपनी मर्जी से बनवाया। तो जी ये हमने ना कई महीनों बाद खाया, तो आज देखें इनका ये हाल हो गया। अभी आपने पूरी कटोरी खानी है, कटोरी नहीं खानी, उसके अंदर जो नूडल है वो खाने हैं। वेरी फनी, वेरी ठंडी फनी, वेरी वेरी ठंडी फनी। अच्छा खैर, अभी ये इतना स्पाइसी है, मर गया यार, दो बाइट लिए सिर्फ। चले खाएं, आपको बाद में आइसक्रीम आइसक्रीम मिलेगी ना, मनिया सुरबे खाए के दिखाएगा। नूडल्स के आगे आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम आप क्या खाओ। वालों को फ्रूट और सब्जी लेके दे दिया हमने घर पे। आज अम्मी ने कहा था सिर्फ फ्रूट काटेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, आज फ्रूट के शाड़ के बगैर कैसे मज़ा आएगा। वकार भी शौक से खाता है, मैं भी, खाला भी। तो मैंने फ्रूट चाट का सामान लेके दे दिया उन लोगों को, और साथ में गिनूँ भी ताकि फ्रूट चाट में मिक्स करें इंशाल्लाह ताला। अभी हम जल्द अज जल्द घर पहुँचते हैं। उससे पहले मैं जा रहा हूँ, आज मैंने सोचा है कि भाई विंडो का अभी बजट आया है थोड़ा बहुत, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो विंडो क्यों ना लगवाई जाए। तो उसी सिलसिले में हम निकले हैं विंडो के लिए, कारीगर के पास जा रहे हैं। मार्केट बंद हो रही थी तो मैं और मेरे दोस्त पहुंच गए क्योंकि अभी ये भी ऑफिस से अभी आ रहे हो ना, तो ये भी ऑफिस से अभी फ्री हो गया आ रहे थे रस्ते में फ्रूट लेके। तो एलुमिनियम का मालूम करने आया यहाँ पर खिड़कियाँ और दरवाजे। भी लेट हो गया और मैं भी लेट हो गया क्योंकि ये 5 बजे के बाद जो है ना बंद हो जाते हैं, यानी 5 बजे से बंद होना शुरू हो जाते हैं, इफ्तार के टाइम होता है ना। तो अभी यहाँ आए सारे बंद है और पूरी पट्टी बंद है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सारे शॉप्स बंद नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये इफ्तारी से पहले 5 बजे से बंद होना शुरू हो जाते हैं, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अभी चलते हैं घर, अफ्तारी के तरह से उनसे नंबर एक दो ले लिए मैंने, उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं अलमुनियम का क्या हिसाब किताब निकल रहा है और खिड़कियों का शीशों का क्या हिसाब किताब निकलता है। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि अभी इफ्तार का टाइम करीब है और घर वाले वेट कर रहे होंगे, चलते हैं घर। यहाँ से कज़न दूध वगैरह ले रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा प्रमोशन पर चॉकलेट्स बनी हुई हैं, तो मैं अब सोच रहा हूँ अलिजबा के लिए एक अपना दिल लेके जाऊँ, दिखाते हैं आपको ये दिल बने हुए। इफ्तारी का टाइम हो गया है, तकरीबन रह गया है 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट। तो अभी हम आ गए छत पे, तो कल ही मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक ऐसा डरावना ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब देखा आपको बता नहीं सकता कि वाकई में मैं उठ गया उसमें। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ एग्जैक्ट इस जगह पे, तो सामने बिल्डिंग है और ऊपर एक रेड ग्रीन कलर की लाइट वाला थंडर जो है ना त्यारा घूम रहा है, यानी कि जो फाइटर प्लेन्स नहीं होते वो घूम रहे हैं, वो यहाँ नीचे आके यहाँ पर जो है ना उन्होंने बमबारी की और ये कॉलोनियों की ना ये बिल्डिंगें गिर रही हैं। हमने ये क्यों कर रहे हैं बोला, पता नहीं है, बस ये एरिया क्लियर करना है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बिल्डिंगें गिर रही हैं और वो बमबारी कर रहे हैं। तो यहाँ तक आके उसने बमबारी की, उसके बाद यहाँ का नंबर आ गया। तो मैं नीचे फैमिली को उठा के नींद से भगा के नीचे ले जा रहा था, तो जगह के ले गया मैं नीचे। जब नीचे आया तो पता चला वो वहाँ तक बारी थी, अब आ गई अगले ही दिन यहाँ बारी आएगी। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, तो पता नहीं ये अजीब गरीब ख्वाब की तो था, इस तरह का अजीब ख्वाब क्यों आया मुझे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। फिल सी अल्लाह बड़ी जाते, तो फिलहाल अफ्तारी करते हैं, उसके बाद बताते हैं अपडेट आपको कि विंडो वालों ने क्या क्या और क्या बेची और क्या रेट्स मिल रहे हैं मार्केट से। इंशाल्लाह मैं कुछ कोशिश करूँ सस्ता करने की, क्योंकि उन्होंने बड़े हैवी रेट दिए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेट दिए। सोच मुझे सोच बोला चल खैर है, कल आ जाएंगे वो ऑफिस से, अगर वो लेट हुआ तो मैं चला जाऊँगा, अगर मैं लेट हुआ तो वो चला जाएगा। तो कल हम दोबारा जाएंगे अलमुनियम वाले के पास और उनसे रेट अच्छे लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चले जी, तो आज अम्मी को उनका सूट देते हैं और अम्मी को दिखाते हैं कैसे। तो भाई ये अम्मी के सूट हैं और ये खाला का सूट है अम्मी। लेकिन एक बात बताऊँ, ये दोनों सूट आप पहले चेक करें इसको और हमें इसको छू के बताएं कैसा है ये। और ये कलर भी देखें और इसको यहाँ पे आगे दिखाएं कैसे, दोनों बहुत अच्छे हैं। इसमें क्या खास बात है दोनों में, मुझे क्या पता क्या खास बात है, अच्छे हैं बस, सही है मेरे, मुझे पसंद है। ये बताएं कि गर्मियों के हिसाब से कैसे। हाँ गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं,
और खाला को सरसरा सा दिखाया था, खाला को अच्छे लगे थे। बट ये कि ये कलर ऑलरेडी आपके पास था, पंजाब से आगे लाए थे रेड और इस कलर लगाए थे था ना, ये कलर आपके पास है। एक और पर्पल कलर का रामला थे, उसका डिजाइन अच्छा नहीं था। आप इसका डिजाइन खोल देखें पहले, इसका कमीज का डिजाइन देखें। ये मेरा ट्राउजर आपका ये प्लेन है ना, ये दुपट्टा है आपका, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, हाँ ये दुपट्टा है। और ये है कमीज, मैं तो कहते ये दुपट्टा है, नहीं नहीं ये कमीज है, कमीज है। ये देखे ना इसका डिजाइन, हाँ हाँ ये देखिए इसका गला भी है, ये है ये गला। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कैसा लगा आपको डिजाइन? बहुत अच्छा। पहली बात तो ये आपके पास ये कलर था नहीं, ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है ना, तो दूसरी बात है कि ये इस तरह का कपड़ा नरम होना चाहिए, गर्मी है ना तो आप इस तरह का कपड़े जैसे आपने पहना था ये भी नरम है ना, इस तरह का कपड़ा होना चाहिए कैसा जी आपको अच्छा भी लगेगा कलर नहीं पहले आपको उठेगा भी सही लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है उठेगा भी। और ये कलर भी था पर अभी ऑलरेडी आपका पंजाब से आया हुआ था ये कलर, इसलिए हमने ये कलर नहीं लिया। इस कलर के बहुत अच्छे डिजाइन से, पर ये कलर ऑलरेडी है मेरा दादा सही कलर, देखिए कलर का पड़े हुए हैं, ये भी आपका ईद का आया हुआ है ऑलरेडी, ये भी मैंने अभी तक पहना नहीं सही है, ये पंजाब से आते हैं। हाँ इसका डिजाइन भी देखें तो डिफरेंट है, इसलिए हमने सोचा वो कलर सही है क्योंकि वो कलर बस है नहीं। ठीक है जी सही है। अभी खाला को बुलाते हैं, खाला से रिव्यू। खाला एक मिनट अंदर आइएगा, चाय बना रही आप? एक मिनट में सर, एक मिनट दिया जाए। अच्छा डिजाइन सेम थे और ये आपका था, कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा है। और दूसरा चीज़ क्या इसके अंदर खास है? बहुत अच्छा कपड़ा भी अच्छा है, कलर बहुत अच्छा। और दूसरा गर्मियों के हिसाब से कैसा है? गर्मी अच्छा। यहाँ पंजाब में भी बहुत शदीद गर्मियाँ पड़ती है ना, ये बहुत खूबसूरत। अगर हम इस तरह का कोई मोटा सा लाते तो गर्मी में आपको तंग करता बहुत। नहीं गर्मियों को तो लॉन चलती है, लॉन चलती है, तो ये आइडिया हमारा इसके इस बार गर्मियों में ही है ना, तो ये आपके पंजाब भी काम आएगा, कराची भी काम आएगा, आप ये पंजाब में भी सकते हैं गर्मियों में ना। हाँ। तो ये ताहिया चल रहा है कपड़े और ये मजबूत है खाला, इसको ऐसे नहीं समझना, ये मजबूत है, ये इसका कमीज है, ये वाला। हाँ ये कमीज है, दुपट्टा है, दुपट्टा है, ये कमीज है, ये है कमीज, ये सेम प्रिंट के दोनों पड़े थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। थोड़े से इसके प्राइसेस ऊपर है, जो हम जाते हैं ना कॉलोनियों से लेके आते हैं, थोड़े से ऊपर, पर ये अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसे नहीं। अगर आप यही चीज ले आते ना ये मार्केट से बाजार से 1500-2000 की मिलती है, थोड़ी सी अमाउंट इसकी ज्यादा थी लेकिन ये अच्छे थे। हमें कैसा लग रहा है खाला? खूबसूरत। और ये कलर खाला मेरे को शब्द आपके पास नहीं होगा, अम्मी के पास था ये कलर, इसलिए मैं आपके लिए ये कलर चूज करके आया हूँ, वरना और भी कलर थे इस तरह के, कलर थे अजीब गरीब कलर भी थे, पर्पल कलर, पिंक कलर था। और खाला का कैसा लगा आपको? अच्छे अच्छे, दोनों को पसंद आया भाई सूट, ये अलिजबा ने चूज किया दोनों के लिए। अच्छा क्योंकि मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, पर ये है कि कपड़े को हाथ लगा मैंने बोला गर्मी में अच्छा लगेगा, तो मुझे सिर्फ कपड़े का नरम का पता चला, गर्मियों का बाकी डिजाइन तो अलिजबा ने पसंद किए। ये हमने रखी हुई थी, आप सो गई थी, मैंने आपको उस दिन दिखा देते, तो हमने बताया आज दिखा देंगे आपको जब ऑफिस से आएंगे। सही है। अब आप लोग इसको सिलवाने के लिए दे सकते हैं और इसको जल्दी से सिलवा लीजिए क्योंकि ईद करीब आ गई है। ठीक है जी। अभी अभी सिले सिलाए मिल रहे थे पर वो बहुत अजीब गरीब थे, उसके गले भी अजीब थे और वो अजीब बेढंगे सिले थे खाला सिले वाले, और उनकी सिलाई भी कमज़ोर थी, आप पहनते ना वो उसकी उखड़ जाती है। मैंने ऐसी हाथ से चेक किया ना, उसका धागा निकलते नजर आ रहा था, मैंने ये निकल जाएगा, पहन के निकल जाएगा, इसलिए सिले सिले नहीं लेना चाहिए इंसान को। मुझे तो इसका कलर बहुत ना, ये भी हमें नरम ठंडा कलर है, नहीं ये कपड़ा अच्छा है ना, कपड़ा बहुत अच्छा है, वहाँ पंजाब में ये 2500 का मिलता था, यही जो मिल गया। शमीज तो उसने लगा ही नहीं है, हमें शमीज की जरूरत क्या है, खुद मोटा कपड़ा ये, अगर शमीज भी पहनेंगी तो फिर सर्दी हो जाएगी सर। दर्जी है पाइपिंग के लिए होंगे, पाइपिंग क्या होती है, ये साइड पे शमीज दुपट्टे को भी लगाइए, दिखाओ
ये देखे ना पैकिंग है, पर वो शमीज़ की नहीं, शमीज़ इतना मोटा कपड़ा, इसमें शमीज़ कहाँ से आएगी, ये खुद इतना मोटा कपड़ा है खाला है ना। तो ये जी अम्मी के दो सूट के वैसे ये अंदर से कढ़ाई है जो ये शूज, अभी मुझे सिर्फ इसका शूज लेना है और इसका शूज लेना है, इस कलर का, हाँ इस कलर का मैचिंग होता है, देख लो भी खुशा चाहिए, हाँ खुशा देख लो, खुशा पहने या सैंडल, ये बता दो मुझे, खुशा होना चाहिए, खुशा होना चाहिए है ना, असली का आपको पता, आप बताओ क्या लगेगा सही अम्मी, शूज चाहिए ना, आज शूज में अभी पता नहीं रश होगा, मैं खुद तो जा नहीं सकती, अरिशपा और तुम जाओ तो खुद देख लेना, इसके कलर का शूज़ चाहिए, सैंडल चाहिए या खुशा चाहिए, मुझे लग रहा है जो मुझे लग रहा है खुशा, खुशा अच्छा होता है, देख लेना अगर इस तरह का कोई सैंडल, ज़्यादा महंगा नहीं, चलो इस तरह का, और भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जूते पड़े हैं महंगे वाले।